हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जी के, और इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा हिस्ट्री सीरीज़ जो है यूपी जी के का हमने कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश सेंसस 2011। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा हो, नेशनल सेंसस की जो वीडियो है वो आप ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। जब हम उत्तराखंड का जीके कर रहे थे उस टाइम, आपको जो लिंक है नेशनल सेंसस 2011 का, वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, एंड यूपी सेंसस से भी चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आए, ठीक है। देखिए, वैसे कोशिश रहती है कि कोई भी किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हम इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज एडिट करके वहाँ पे बता देंगे आपको, अगर हमें पता चलता है कि किसी भी फैक्ट में कुछ गलती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूपी का एरिया कितना है? 240,928 स्क्वायर किलोमीटर। कितना परसेंटेज है कंट्री के ओवरऑल एरिया के? 7.33%, ठीक है। यूपी एरिया वाइज फोर्थ है रैंक में, राजस्थान फर्स्ट है इंडिया में, एमपी है सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र देन यूपी, और पॉपुलेशन वाइज में आता है फर्स्ट, ठीक है। यूपी की डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट एरिया है वो किसकी है डिस्ट्रिक्ट की? लखीमपुर खीरी। एंड लोएस्ट एरिया है संत कबीर नगर का। इसमें मौजूद हल्का सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए, वर्थ है हमारा चैनल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए। प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके देखिए, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ क्या रही? डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 सालों में क्या ग्रोथ रही, तो यूपी की 20.22% ग्रोथ रही, ठीक है। मेल की ज़्यादा रही, कम रही, फीमेल की ज़्यादा रही, ठीक है। 1911 से 1921 वाला जो डिकेड था, इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, जो पॉपुलेशन जो थी वो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, जबकि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ मिली है वो 2001 वाला जो डिकेड है उसमें मिली थी देखने को, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ जिन 5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, ये है गौतम बुद्ध नगर, GBN और गाजियाबाद सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे है श्रावस्ती। बॉटम पे सबसे कम जो मिली है डिकेडल ग्रोथ देखने को, वो मिली है कानपुर नगर पे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिली है हमीरपुर में, और थर्ड नंबर पे आता है बागपत। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा आपको ना फैक्ट पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी क्या है, लेकिन हाँ ये ऑर्डर आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो RO ARO है ना, उसमें एक क्वेश्चन आता है सेंसस का, कभी कभी UPPCS में भी आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन हाँ फिर भी हमें को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन है 19.98 करोड़। किसकी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम? ये नेशनल सेंसस जो 2011 वाला आया था, अभी तो न्यू वाला आया नहीं है, ठीक है। तो ये कितना है टोटल पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन के 16.51% है, और ये 1/6 पॉपुलेशन है अकेले यूपी में इंडिया की, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टॉप जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अलाहाबाद, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे है मुरादाबाद, थर्ड नंबर पे है गाजियाबाद, एंड फोर्थ नंबर पे है आजमगढ़। बॉटम की बात करें बॉटम डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे कम जो है वो महोबा में है, उससे थोड़ी ज़्यादा चित्रकूट में, एंड थोड़ी ज़्यादा हमीरपुर में। मेल की बात करें, मेल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अलाहाबाद है टॉप पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे है मुरादाबाद, थर्ड नंबर पे है गाजियाबाद, ठीक है। तो जो आपका टॉप पे है पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्डर, वही यहाँ पे मेल का है। एंड फीमेल देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी वहाँ पर सी बात है, मेल भी ज़्यादा मिलेंगे और फीमेल भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फीमेल में सबसे ज़्यादा अलाहाबाद में है, सेकेंड नंबर पर आजमगढ़, थर्ड नंबर पर जौनपुर। 0 to 6 year पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी है यूपी में? 3.07 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये बात आप याद रखना, अभी बढ़ गई होगी, ठीक है। 15.41% है टोटल पॉपुलेशन का, एंड 13.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। टॉप डिस्ट्रिक्ट जिनमें 0 से 6 साल के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा, एक तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ बच्चे भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होंगे,
तो अलाहाबाद में है, सेकंड नंबर पर मुरादाबाद, थर्ड नंबर पर है सीतापुर। परसेंटेज में जो टॉप कर रहा है वो है बहराइच, ठीक है, बहराइच में है। परसेंटेज और बॉटम में जो टॉप दोनों में है वो कौन है, कानपुर नगर, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है 0 to 6 ईयर पॉपुलेशन की वो है कानपुर नगर। अब बात कर लेते हैं रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन की, ठीक है, यूपी के रिस्पेक्ट में। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो है कितनी यूपी में, 4.44 करोड़, ठीक है। ओवरऑल अगर मान ले हम पॉपुलेशन जो भी यूपी की है 19.98 करोड़, उसमें 4.44 करोड़ है आपकी अर्बन पॉपुलेशन, जो कि टोटल यूपी के पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 22.3%, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन में यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, और इसमें डेकेडल ग्रोथ जो देखने को मिली है अर्बन पॉपुलेशन में यूपी में वो मिली है 11.79%, ठीक है। टॉप डिस्ट्रिक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है वो है गाजियाबाद, सेकेंड नंबर पर लखनऊ, थर्ड नंबर पर कानपुर, फोर्थ नंबर पर आगरा। परसेंटेज वाइज की बात करें तो गाजियाबाद सेकेंड नंबर पे, लखनऊ थर्ड नंबर पे, कानपुर। बॉटम डिस्ट्रिक्ट जिसमें अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम मिली है वो है श्रावस्ती, सबसे कम मिली है पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन देखने को, और उससे थोड़ी ज़्यादा चित्रकूट में मिली है, थोड़ी ज़्यादा कौसम्बी में। परसेंटेज की बात करें बॉटम डिस्ट्रिक्ट में तो श्रावस्ती जहाँ पे सबसे कम है वहाँ पे श्रावस्ती, देखिए श्रावस्ती इधर देखिए टॉप में और परसेंटेज में दोनों में गाजियाबाद है, उसी तरीके से बॉटम में जहाँ पे सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पे श्रावस्ती है, ठीक है। देखिए टॉप थ्री तो ना आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर फोर ऑप्शन दे दिए जाते हैं उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से किसकी हाईएस्ट है पॉपुलेशन या किसकी टॉप थ्री में नहीं है, ठीक है। ये तो टॉप थ्री तो आपको पता होना ही चाहिए। रूरल पॉपुलेशन की बात करें यूपी की, तो रूरल पॉपुलेशन में यूपी जो आता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया में, और इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 18.63% रूरल पॉपुलेशन यूपी की कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अगर यूपी के रिस्पेक्ट में देखें जो 19.98 करोड़ है पॉपुलेशन, उसमें 4.44 करोड़ तो अर्बन पॉपुलेशन है और बाकी जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, जो कि कितना कंट्रीब्यूट करती है टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी में 77%, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन में टॉप पे है इलाहाबाद, सेकंड नंबर पे है आजमगढ़ एंड थर्ड नंबर पे है जौनपुर। बॉटम डिस्ट्रिक्ट जो है वो है गौतम बुद्ध नगर, और उससे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है महोबा में, थर्ड नंबर इज हमीरपुर। ये इस तरीके से होगा यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यूपी की है 829। अगर आपको पता हो नेशनल सेंसस की वीडियो आपने हमारी देखी हो, देखना ज़रूर, बहुत डिटेल में है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप मुझे बताइए कि पॉपुलेशन डेंसिटी नेशनल कितनी है, लिटरेसी कितनी है और सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि स्टेटमेंट भी 22 क्वेश्चन आने लगे हैं अब एग्ज़ाम में, तो उसमें ऐसा होता है एक स्टेटमेंट में वो नेशनल डाल देगा डाटा और एक स्टेटमेंट में यूपी का, या फिर बोल देगा कि यूपी की ज़्यादा है नेशनल एवरेज से या कम है, इस तरीके से। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि पॉपुलेशन डेंसिटी नेशनल कितनी है, और यूपी की है 829। टॉप डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है गाजियाबाद की, एंड सेकेंड नंबर पर आता है वाराणसी, एंड थर्ड नंबर पर आता है लखनऊ। बॉटम डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है ललितपुर में, सेकेंड नंबर पे है सोनभद्र, एंड थर्ड नंबर पे है हमीरपुर। लिटरेसी देखिए, वही मैंने आपसे पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल लिटरेसी रेट क्या है, और कौन सा जो है यूटी का बताइए, बेसिकली ना यूनियन टेरिटरी का आता है कि कौन सी जो यूनियन टेरिटरी है उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और किसका लोएस्ट है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लिटरेसी रेट यूपी का 67.7% है, जिसमें मेल का है 77.3% एंड फीमेल का है 57.2%। ऐसा मुझे लगता है कि अब जो नेशनल सेंसस आएगा ना उस पर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, क्योंकि अब ना फीमेल को बहुत ज़्यादा मतलब लिटरेसी पे जोर देने लगे हैं लोग यूपी में भी, ऐसा मैंने देखा है। टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सेकंड नंबर पे कानपुर आता है एंड थर्ड नंबर पर आता है औरैया। बॉटम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रावस्ती का है सबसे कम लिटरेसी रेट, सेकंड नंबर पे है बहराइच एंड थर्ड नंबर पे है बलरामपुर। अब श्रावस्ती का आप देखिए, इसमें ना मेल में भी सबसे कम है एंड फीमेल में भी सबसे कम है, ठीक है। उसी तरीके से
लिटरेसी रेट जो है ना टॉप पे गौतम बुद्ध नगर का है, तो मेल का तो है गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन फीमेल का जो टॉप का है ना वो कानपुर नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, कानपुर नगर का टॉप पर है, एंड सेकेंड नंबर पे है लखनऊ में फीमेल का, और थर्ड नंबर पे आता है फिर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, यूपी का है 9:1:2, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि नेशनल जो है वो सेक्स रेशियो क्या कितना है। टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जौनपुर का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, एंड सेकेंड नंबर पे है आजमगढ़, थर्ड नंबर पे है देवरिया। बॉटम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो गौतम बुद्ध नगर का, सेकेंड नंबर पे है बागपत एंड हमीरपुर, इन दोनों का है 8:61, ये आप याद रखें कि दो डिस्ट्रिक्ट का है, कानपुर नगर बांदा और मथुरा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का 8:63 है, तो तीनों थर्ड रैंक पे आते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब पढ़ लेते हैं हम शेड्यूल ट्राइब्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं यूपी जीके स्पेशल के तो देखिएगा, हम बिहार पीसीएस के लिए भी जल्दी जीके वीडियोस लेकर आने वाले हैं, और हाँ आर ओ और ए आर ओ के लिए भी हिंदी का जो है पूरा अच्छे टॉपिक जो होते हैं वो पूरे के पूरे पढ़े हुए हैं हमारे चैनल पे, जो एक बुक आती है, ठीक है, पी वाई क्यू जितने हैं वो सारे पढ़े हुए हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा वो, और बस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 0.6% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी की, 11.34 लाख है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो ये भी बढ़ गई होगी। सेक्स रेशियो क्या है शेड्यूल ट्राइब्स का 9:51। देखिए शेड्यूल ट्राइब्स का ना वैसे हम नेशनल सेंसस में देखें उसमें भी ज़्यादा ही है, शेड्यूल ट्राइब्स में बेसिकली वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है ना, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है ना सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, पैट्रियार्की नहीं होती वहाँ पे, यही रीज़न एक होता है, ठीक है। टॉप डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र जिसमें सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है बलिया, थर्ड नंबर पे आता है देवरिया। नॉट सेक्स रेशियो, हम ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, याद रखना आप, ठीक है, और परसेंटेज में टॉप किया है पॉपुलेशन में शेड्यूल ट्राइब्स में सोनभद्र टॉप ओवरऑल भी है और परसेंटेज में भी है टॉप पर, सेकेंड नंबर पे है ललितपुर, थर्ड नंबर पे है देवरिया। बॉटम डिस्ट्रिक्ट जिसमें पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब्स की वो है सबसे कम पाई जाती है बागपत में, सेकेंड नंबर पे है कन्नौज, थर्ड नंबर पे है बदायूं, एंड परसेंटेज में बागपत अगेन सेकेंड नंबर पे कन्नौज, थर्ड नंबर पे बदायूं, तो उसमें सेम है, ठीक है, जिसमें थोड़ा डिफरेंट मिले ना वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट 20 बहुत ज़्यादा मतलब 20.7% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूपी है, देखिए 4.13 करोड़ इनकी है पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो कितना है 9:07। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन में, तो टॉप पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सीतापुर है फर्स्ट रैंक, सेकेंड नंबर पे अलाहाबाद में पाए जाते हैं, थर्ड नंबर पे हरदोई पॉपुलेशन। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज है कौसाम्बी, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे सीतापुर, थर्ड नंबर पे हरदोई। देखिए परसेंटेज का क्या रहता है ना कि मान लो कि कोई पॉपुलेशन है आपकी मतलब पूरा इतने एरिया में है, तो ये ओवरऑल एरिया में जो मानेंगे तो ये आपका ओवरऑल पॉपुलेशन मान लिया, लेकिन परसेंटेज में मान लीजिए यहाँ पे 5 लोग रहते हैं इस एरिया में, बट दूसरी जगह इतने छोटे से एरिया में आपके 20 लोग रहते हैं, तो परसेंटेज वाइज में यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा ही होता है, अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं गलत हूँ तो वो तब भी बताइएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में जो है ना कौसाम्बी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, सेकेंड नंबर पर सीतापुर में, थर्ड नंबर पर हरदोई में। बॉटम जो है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बॉटम डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, बागपत में सबसे कम मिलती हैं श्रावस्ती, एंड थर्ड नंबर पे गौतम बुद्ध नगर। परसेंटेज की बात करें तो बागपत, सेकंड नंबर पर बरेली एंड बलरामपुर, ठीक है। ओवरऑल देखिए ओवरऑल जो है जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बात करें तो माइनॉरिटी एंड जो भी पॉपुलेशन हिंदू की है सबसे ज़्यादा यूपी में हिंदू पाए जाते हैं, ठीक है, हिंदू की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, और जिसमें हाईएस्ट है वो गाजियाबाद में है हिंदू की पॉपुलेशन। और परसेंटेज की बात करें अगेन मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया था, तो चित्रकूट में है, ठीक है, हिंदूज। और मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो ना रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, रामपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा है। थर्ड नंबर पर आते हैं यूपी में सिख पॉपुलेशन में, एंड फोर्थ नंबर पर क्रिश्चियन, फिफ्थ नंबर पर जैन, एंड फिफ्थ
सिक्स नंबर पे क्या बचा आपका, बुद्धिस्ट। ठीक है, ये हम यूपी के उसमें बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी ये वीडियो, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी नेशनल सेंसस की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सी माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कौन सी जो है पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में अलग अलग, यूपी में ही पूछा जा चुका है आपके दो तीन बार, सिक्स एंड क्रिश्चियन और जैन से रिलेटेड, कि किसका लिटरेसी रेट ज़्यादा है, किसका सेक्स रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।